उन्होंने मेहनत की और यहाँ समाजवादी पार्टी को सफलता मिली। जो किसानी धरती से जुड़े हुए लोग हैं और खेती का सम्मान और खेती के बारे में अगर किसी ने बात किया तो उसका नाम है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता। बड़े फख्र के साथ हम लोगों ने गेहूं के बारे में, धान के बारे में, गन्ना के बारे में, हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक हम बात करते हैं कि जिस रेशियो पर कारखाने में बने हुए सामान का दाम बढ़ता है तो उसी रेशियो पर हमारे किसान के उत्पादन का दाम बढ़े। अध्यक्ष जी, आज बलहा उपचुनाव में आप दो दिन से दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है यहाँ पे, चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 11 जगह विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है। मैं 6वीं विधानसभा में आया हूँ। जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता का भरोसा दिख रहा है उससे साफ दिखता है कि इन चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। और बलहा में भी लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी के खिलाफ आक्रोश है, गुस्सा है कि जो बीजेपी ने कहा वो नहीं किया है, इसलिए जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी पर भरोसा है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में लोग लामबंद हो रहे हैं। बलहा उपचुनाव में अभी 16 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। सांसद जी, कल और परसों महाबलीपुरम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और बताया गया कि इस मुलाकात से बहुत फर्क पड़ेगा इंडिया पे। क्या मानते हैं, क्या सच में जो जमीनी स्तर का आदमी है उसके ऊपर इस मुलाकात का कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, चीन ने हिंदुस्तान की 70,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा की हुई है काफ़ी लंबे समय से, और पिछले कुछ वर्षों में जब से उदारीकरण आया है चीनी माल हिंदुस्तान के बाज़ार में भरा हुआ है और उसके कारण हिंदुस्तान के स्थानीय उद्योग खत्म हुए हैं और किसानों को भी इस बात से चोट लग रही है कि चीन से कृषि के सामान भी आयात होकर आ रहे हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब चीन का सारा माल हमारे यहाँ बिक रहा है तो हमें उनको बाज़ार देना है, ये हम पर एक दबाव बना करके हमारा बाज़ार चाहते हैं, ऐसी हमको संभावना लग रही है। और मेरा डर है कि नौजवानों की जो बची खुची नौकरियां हैं वो भी चली जाएंगी और जो बचा हुआ बाज़ार है वो भी चीन के माल के हवाले हो जाएगा, ऐसी मेरी आशंका है। आज हम लोग यहाँ चुनाव में आए हुए हैं और हम जनता को इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि ये इस हुकूमत ने पूरे देश को दहशत में रखा हुआ है और किसी भी जुबान को दबाने के लिए वे किसी भी स्तर तक जा रहे हैं जो इनके विरोध में उठती है। इनकी नीतियाँ जन विरोधी हैं, इनकी नीतियाँ राष्ट्र विरोधी हैं और इनकी नीतियाँ संविधान विरोधी हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इन उपचुनावों में इस सरकार को सही आंकड़ा दिखाई पड़ जाएगा। इन उपचुनाव में पिछली बार आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़े, आज उपचुनाव में सभी एक दूसरे के सामने, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव जीतेगी? जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिल करके जो चुनाव लड़ा गया था उसमें भी जो जिक्र अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने किया है कि जो ईवीएम मशीनें हैं उनके साथ में टेम्परिंग करी गई थी। हमें लखीमपुर का हाल मालूम है कि 300 मशीनें ऐसी थीं जिनके अंदर बैटरी 99% दिखाई जा रही थी, जबकि एक चुनाव पड़ने के बाद एक महीना वो गोदाम में रखी रही थी। इस बात से पता लगता है कि इनका जादू कहां पर है।